दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने चावड़ी बाजार, लाल किला और जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। इन तीनों में मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। साथ ही इन स्टेशनों पर मेट्रो भी नहीं रुकेगी। नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने चावड़ी बाजार, लाल किला और जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। इन जगहों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। साथ ही इन स्टेशनों पर मेट्रो भी नहीं रुकेगी। बता दें कि गुरुवार को विरोध और बवाल की आशंका को देखते हुए राजीव चौक समेत कुल 19 मेट्रो स्टेशन एहतियातन बंद कर दिए गए थे। हालांकि देर शाम उनमें से ज्यादातर को दोबारा खोल दिया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर आज भी शहर पर 5 ड्रोन कैमरों से हालात पर नजर रख रही है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के 14 में से 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस इलाके में मार्च कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। इधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकाल सकते हैं, ये खबर थी। लेकिन पुलिस ने जुमे की नमाज के मद्देनजर इन्हें इजाजत नहीं दी। चंद्रशेखर ने बयान जारी करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी की अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं दिल्ली के जामा मस्जिद आ रहा हूं। पुलिस ने किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है। हम आपको बता दें कि यहां पर तमाम जगहों पर फिलहाल मेट्रो को बंद कर दिया गया है। अगर आप इधर से जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना जाएं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।